सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का प्रहार, गुजरात की रैली में बोले, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों के समर्थन में रोने लगे थे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की भी 4 रैलियां। एफएसएल दफ्तर में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी अफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू, टेस्ट का आखिरी सेशन आज, नार्को टेस्ट फिलहाल नहीं। ज्ञानवापी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई, परिसर में एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर याचिका पर होगी बहस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कब्जे से ठेकेदार के अकाउंटेंट को छुड़ाया, हथियारों के साथ 8 नक्सली भी गिरफ्तार। कश्मीर में गिरते पारे ने ठंड में किया इजाफा, नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में पानी बना बर्फ, नदियां भी हुई बर्फीली। चीन के कई शहरों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा, कोरोना की पाबंदियों का देश भर में विरोध, बैकफुट पर आए प्रशासन के कुछ जगहों से कोविड बैन हटाया गया। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को से हार के बाद बेल्जियम में तनाव, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने की आगजनी और पथराव, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।